ऊपर से चल रहे हैं, लेक के बाजू से चल रहे हैं, सामने पहाड़ है। इससे सुंदर और नजारा क्या हो सकता है। सो गाइज अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेक बेलफील्ड, आई थिंक सो। बट आप अभी जो मैंने लेक दिखाया आपको यहाँ से बोरोका लुकआउट से जो लेक दिख रहा था, अभी हम वो पास से देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सो गाइज ये जो लेक बेलफील्ड है ये हॉल्स गैप से बहुत ही पास में है, खाली 6 किलोमीटर के दूरी पे है। और आपको मुझे लगता है आना ही चाहिए। बहुत अच्छा लेक है और बहुत सुंदर है। मीन्स आप आके यहाँ पे बैठिए, बढ़िया सा टाइम स्पेंड कीजिए। ये देखिए अभी आप देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। आप गाइज हम आ गए हैं लेक बेलफील्ड, जो कि मैंने बोरोका लुकआउट से जो हमको पहाड़ों के आगे जो लेक दिख रहा था पहाड़ों के बीच में, वो यही लेक है। अभी हम थोड़ा पास से देख रहे हैं ये लेक को। और लेक के अंदर जाने का मीन्स वहाँ से रास्ता भी है, तो चलिए हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं वहाँ पे। अभी हम जो वॉक कर रहे हैं और आपको ये जो वॉल दिख रही है ये डैम वॉल है। हम डैम के ऊपर से चल रहे हैं, लेक के बाजू से चल रहे हैं, सामने पहाड़ है। इससे सुंदर और नज़ारा क्या हो सकता है। और यहाँ बहुत ठंडी है शायद, इसलिए नहीं कर रहा है। पानी के पास अच्छा बोरोका लुकआउट से आपको लेक दिखाया था, वो देखिए बोरोका लुकआउट वहाँ दिखता है और पिनेकल लुकआउट भी वहीं पे है। तो कैन यू इमेजिन कि हम वहाँ तक चढ़े थे पिनेकल लुकआउट में और वहाँ से ये सब दिख रहा था। कांट बिलीव, मुझे भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सच में मैं इतने पहाड़ पे चढ़ी थी। बट नाइस व्यू, नाइस एक्सपीरियंस था। और वहाँ तक वो छोटा सा ब्रिज भी है, आप वहाँ तक जा सकते हो। कल हमको ये जो लेक व्यू लुकआउट था ना, वहाँ से ये लेक और वो छोटा सा ब्रिज है वो भी दिख रहा था, तो हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, तो हम बीच में से वापस जा रहे हैं। तो चलते हैं अभी कई और पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज लेक बेलफील्ड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।